ताली के गड़गड़ाहट से बच्चे का स्वागत हो रहा है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ और मधेपुरा के कई छात्र छात्राएं जिला टॉप कर गया, उसी के लिए ताली बजाई जा रही है। काफ़ी अधिक संख्या में यहां पे स्टूडेंट थे, ये सारे स्टूडेंट A1 बायोलॉजी क्लासेस के हैं। देखिए, पहले इंटर का रिजल्ट आया, उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट आया है। रिजल्ट इस बार बढ़िया है, इस बात का अंदाजा लगाइए कि बच्चों ने पढ़ा तो रिजल्ट बढ़िया हो गया। और ऐसे में मधेपुरा जिले के कई जो छात्र और छात्राओं ने, क्या नाम हुआ? मौसम कुमारी। मौसम जी, कल आपका रिजल्ट आ गया। हाँ। कितना मार्क है आपको? 433। किस तरीके से तैयारी की थी आप? हम जो है अपने वातावरण के साथ साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पढ़ाई पे फोकस किए, इस तरह हम अपने तैयारी किए। अच्छा। फूलन अंकिता, आपके लिए ताली बजाई जा रही थी काफी, आप आए अंदर, अब पूरा ताली ताली हो गया। ये ताली के गड़गड़ाहट से बच्चे का स्वागत हो रहा है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ। देख करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। कितना मार्क है? 463 मार्क है। सबसे ज्यादा जो है किस विषय में ज्यादा मार्क है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ज्यादा मेहनत की थी क्या? नहीं, सभी पर बराबर ही किए थे, पर आ गया मैथमेटिक्स में। उम्मीद किस विषय में था कि इसमें इतना आ जाएगा? उम्मीद तो हर सब्जेक्ट में था कि अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन मैथ में ज्यादा आ गया। हाँ। किस तरीके से तैयारियां की थी आप? सबसे पहले तो सर के सभी बातों को फॉलो किए और अपना टाइम मेंटेन किए, बस सब हो गया। अच्छा, सब हो गया। खुश कितना है आज के दिन में? खुश नहीं, संतुष्ट है हम। खुश नहीं, संतुष्ट है? हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये कहने की, कई बार ये होता है कि जब स्टूडेंट का कम मार्क्स आता है तो वो सैड रहते हैं। मेरा ये मानना नहीं है, कम मार्क्स आया ठीक है, आगे मेहनत करते हैं। तो इंटर में बढ़िया रिजल्ट लाना है, कहने का मतलब है। अच्छा, मैट्रिक में आपको 463 अंक मिले हैं। घर परिवार और कोचिंग संस्थान में तो हम देख रहे हैं कि ताली बजी, घर में कितना खुश है लोग? बस इतना ही। जैसे आप यहाँ देखे बस वही माहौल वहाँ भी है। अच्छा, मिठाइयाँ किसने खिलाया सबसे पहले? अंकल। अंकल जी, पापा मम्मी? पापा मम्मी भी खिलाए। अच्छा, पहले अंकल जी। क्या नाम बताइए अपना? फूलन अंकिता। आप कितना खुश हैं आज के दिन? मैं संतुष्ट हूँ। बार बार संतुष्ट के बारे में बोल रहे हैं। ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है और दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, दुखी भी नहीं होंगे और खुश भी नहीं होंगे। और आप इस तरफ देखिए कि ये सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, A1 बायोलॉजी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ये सभी लोग बायोलॉजी की तैयारी करते थे, मैट्रिक में बढ़िया रिजल्ट लाए हैं, सर प्रोग्राम किए हैं, सभी को बुलाए हैं। और आप इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे जो है तोहफा भी सर को मिला है। और इस तरफ देखिए कि बच्चों के लिए स्प्राइट, नाश्ता पानी की भी अच्छी व्यवस्था सर करवाए हैं। इनसे बात करेंगे, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। अंशु जी, सारे बच्चे अलग अलग ड्रेस में आए हैं, लेकिन आप स्कूल ड्रेस में आए हैं। वह इसलिए क्योंकि अपने स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसे हमेशा से अपने साथ रखना चाहिए और यही स्टूडेंट का कल्चर होता है, तो इसलिए मैं हमेशा से अपने स्कूल का और अपने टीचर के द्वारा प्रदान किए गए ऐसे डिसिप्लिन का हमेशा से अनुसरण करता हूँ। फर्स्ट डिवीजन। यस सर। कितना मार्क? 468, 93.6%। जब आपका रिजल्ट जारी हुआ, इंतजार तो बेसब्री से कर रहे होंगे, पहली जानकारी किसने दिया कि आप फर्स्ट डिवीजन कर गए? वैसे पहली जानकारी तो स्कूल को आते हैं कि उनके द्वारा ही, तो कल की बात जानकारी हमें गुंजन सर से प्राप्त हुई कि हम, उसके बाद आज मैं यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ भी, क्योंकि इसमें अपने डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा वह A1 बायोलॉजी क्लासेस। मैं पूरा सड़े इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ और वह इंस्टीट्यूट है A1 बायोलॉजी क्लासेस। आज यदि मैं आपके सामने अपनी बातों को प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तो इस इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत कुछ दिया। छोटा बड़ा फंक्शन, प्रोग्राम, हर एक चीज़ों में हमें बोलने को अपॉर्चुनिटी दिया गया। यहाँ तक कि मधेपुरा का शायद ही ऐसे कोई इंस्टीट्यूट होंगे जो कि स्टूडेंट को बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भेजते होंगे और कोई टीचर साइड में बैठ करके उनके द्वारा बताई गई चीज़ों का अनुसरण करता हूँ। आपने वो सब किया? हाँ, हमें अपॉर्चुनिटी मिला और सर हमें दिए भी। अच्छा, बेसब्री से इंतजार घर में किनको था कि बेटा फर्स्ट डिवीजन करेगा? वह तो सबों को भरोसा था, क्योंकि मेरे जो भी पेरेंट्स हैं या फिर
हमारे फैमिली के जो भी गार्जियन हैं वह कभी किसी टीचर से नहीं मिले हैं और हमारी हर एक चीज़ की देख रेख गुंजन सरी की है। अच्छा अच्छा, आज की तारीख में खुश कितना है आप? खुश तो हूँ, लेकिन ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा ही क्या है, ना हार मानूंगा, उम्र बढ़िया, मैंने किसी से नहीं उन खुदा से वादा किया है। तो बच्चे पढ़ते थे अच्छे से? चलिए, रिजल्ट बढ़िया हुआ है, मैडम भी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं और सर बच्चों को शुभकामना दे रहे हैं कि आगे खूब बढ़िए, आगे बढ़िए और हमारा नाम रोशन कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।